सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर एक दो तीन और चार चैन बनाएंगे, फिर अपनी क्रोशियो को लास्ट वाली चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से, और उसके बाद एक चैन बनाएंगे। देखिए एक रिंग बन गई है। अब इस रिंग के अंदर अपने क्रोशियो हुक को डालेंगे, एक बार निकालेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, दोबारा डालेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर डालेंगे रिंग के अंदर इस तरह से। देखिए दो चार छः सेवन हो गई। इनको ऐसे एक साथ निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे इस तरह से। पफ स्टिच बनाया, एक चैन बनाने के बाद अपनी क्रोशियो हुक को में धागा लपेटेंगे, फिर इसमें डालेंगे एक दो और ये तीन, तीसरी बार डालेंगे। देखिए इस तरह से एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे इस तरह से। दो पफ स्टिच हो गई, दोबारा से लपेटेंगे धागा और इसी में डालेंगे एक दो और ये तीन, तीसरी बार तीन बार डालेंगे इस तरह से। ये तीन हो गए, इस तरह से हम एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल छः पफ स्टिच इसमें बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः पफ स्टिच बना ली। उसके बाद देखिए इस वाले में क्रोशियो हुक को डालेंगे जो फर्स्ट चैन है इधर पे, और इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे इस तरह से। और एक चैन बनाएंगे इस तरह से, एक चैन बनाएंगे और फिर अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ये फर्स्ट राउंड हमारा बन गया। अब एक नए कलर का थ्रेड लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे, अब इसको पकड़ेंगे। देखिए ये जो पफ स्टिच के बीच में जो गैप है, दो पफ स्टिच के बीच में अपने क्रोशियो को इसमें डालेंगे इस तरह से, और ये स्लिप नॉट को भी इस तरह से निकालेंगे। इसको भी ऐसे पुल करेंगे, एक चैन बनाएंगे। अब देखिए इन दोनों को भी इस तरह से साथ में बुनते चलेंगे इन दोनों थ्रेड, ताकि ये हाइट हो जाए। अब इसमें क्रोशियो हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, इसी में दोबारा से डालेंगे एक और सिंगल क्रोशियो बनाएंगे इस तरह से, दो सिंगल क्रोशियो। देखिए जो पफ, दो पफ स्टिच के बीच में जो गैप है ना, उसमें क्रोशियो हुक को डालेंगे। देखिए दो पफ स्टिच के बीच में जो गैप है इस वाले में डालेंगे। अब देखिए दोबारा से अपने क्रोशियो हुक को डालेंगे इसके अंदर और एक सिंगल, ये दोनों को इस तरह से बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशियो बनाएंगे इसके अंदर डालेंगे, एक सिंगल क्रोशियो, दो सिंगल क्रोशियो हर गैप में बनाएंगे। अब देखिए ये दोनों पफ स्टिच के बीच का गैप जो है ये वाला है, देखिए इस तरह से ये वाला। अब यहाँ पर भी हम दो सिंगल क्रोशियो बनाएंगे, ये भी साथ साथ बनेंगे एक और ये सेम इसी में दो इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर दीजिए। अब देखिए अब हर गैप में दो दो सिंगल क्रोशे, ये नेक्स्ट गैप ये है, बनाते जाएंगे और इसी में डालेंगे दो। देखिए अब एंड में फर्स्ट चैन में डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे और एक चैन बनाएंगे और अपने थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से। राउंड सेकंड बन गया, देखिए इस तरह से। अब देखिए एक नया कलर की थ्रेड लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अब इसको पकड़ेंगे और चैन में डालेंगे अपनी क्रोशियो को और अपने नॉट को भी इस तरह से निकालेंगे, और ये वाला जो थ्रेड है ये भी देखिए इस तरह से साथ में बुनेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। अब देखिए एक चैन बनाएंगे इस तरह से। अब इसी के अंदर देखिए एक बार इसी चैन में क्रोशियो को डालेंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार निकालेंगे
तीन एक बार निकाल एक साथ निकालेंगे इन तीनों को, एक चैन बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाली जो चैन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे हम इसमें, एक दो और ये तीसरा, तीन इस तरह से तीन बार निकालेंगे इनको, एक साथ निकालेंगे अब और एक चैन बनाएंगे। इस तरह से तीन तीन के राउंड से पफ स्टिच बनाएंगे हर चैन में, और उसके भी साथ साथ बुनते जाएंगे। इस तरह से बनेगा हर चैन में, देखिए एक दो और ये तीन बार एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक साथ निकालेंगे, एक चैन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन बार करेंगे और इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह से, फिर एक चैन बनाएंगे। इस तरह से ही ऑल पूरे राउंड में करते जाएंगे। अब देखिए एंड में जो हमारी जो फर्स्ट चैन है पफ के ऊपर, क्रोशियो को डालेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे, एक चैन बनाएंगे। इस तरह से ये बन गया, और अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे, इसको ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा इस तरह से बन गया कि एक थ्रेड लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे, अपने पैटर्न को पकड़ेंगे इस तरह से, और देखिए जो फर्स्ट चैन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे, इस थ्रेड को भी साथ साथ ले लेंगे, स्लिप नॉट को डालेंगे और इस तरह से एक चैन बनाएंगे। इन दोनों को इस तरह से करेंगे, आप देखिए इसी में क्रोशियो को डालेंगे, एक सिंगल क्रोशियो बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशियो बनाने के बाद जो दो पफ स्टिच के बीच में गैप है, ये धागा भी साथ साथ ऐसे बुनते जाएंगे, तो पफ स्टिच के बीच में गैप है, क्रोशियो को डालेंगे उसमें इस तरह से, एक सिंगल क्रोशियो और उसी में फिर दो सिंगल क्रोशियो, फिर जो अब चैन है फर्स्ट उसमें डालेंगे क्रोशियो को, सिंगल क्रोशियो कि पफ स्टिच, नेक्स्ट में जो बैक गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशियो और ये दो सिंगल क्रोशियो बनाए इस तरह से, फिर जो चैन है नेक्स्ट उसमें एक सिंगल क्रोशियो, फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है ये धागा भी साथ साथ बुन लेते हैं ताकि हाइड हो जाए, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशियो और इसी में एक और सिंगल क्रोशियो, और ये जो चैन है इसमें भी एक सिंगल क्रोशियो। तो इस तरह से हमें गैप में एक सिंगल, दो सिंगल क्रोशियो और चैन में एक सिंगल क्रोशियो, और जो पफ की जो चैन है उसमें एक सिंगल क्रोशियो, इस तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करें। कि जो दो पफ स्टिच के बीच में गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशियो और ये दो सिंगल क्रोशियो, और इसके बाद फर्स्ट वाली जो चैन है उसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। इस तरह से बन गया। अब एक चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस चैन बनाएंगे। अब सेम अपने क्रोशियो को सेम इसी चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से एक चैन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से लूप बन गया, और थ्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बन गया, और इसे हाइड कर लेंगे इस वाले थ्रेड को लूप में डाल के क्रोशियो के सुई से।
ये ऐसे बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।